बुझारी बुरावली मार्ग पर स्थित एक पेट्रोल पंप पर रविवार को नेत्र कैंप का आयोजन किया गया। गाजियाबाद साई डॉक्टरों की टीम ने मरीजों की आंखों को चेक कर उनको निःशुल्क दवाइयों का वितरण किया। दोपहर बाद उप जिलाधिकारी अशोक मौर्य भी पहुंचे और उन्होंने कैंप का जायजा लिया। आंखें दिखवाने के लिए लोगों की भीड़ जुटती हुई नजर आई। स्वर्गीय होरी लाल के पुत्र राजीव कंसल ने बताया कि पिताजी की मृत्यु को 8 वर्ष हो चुके हैं, जब से ही वरदान नाम से नेत्र कैंप लगाया जाता है। इन 8 सालों में लगभग 1200 मरीजों का मोतियाबिंद होने के कारण ऑपरेशन कराया गया है। इस कैंप में गाजियाबाद से आई डॉक्टरों की टीम ने 190 मोतियाबिंद के मरीजों को ऑपरेशन कराने के लिए गाजियाबाद भेजा। नेत्र चेक करवाने के लिए मरीजों की काफी भीड़ जुटती हुई देखी गई। जब एमएसएन न्यूज के संवाददाता ने राजीव कंसल से वार्ता की तो उन्होंने एमएसएन न्यूज की टीम को बताया। कार्यक्रम हम अपने पिता स्वर्गीय हरिलाल कंसल की स्मृति में लगवाते हैं। हमारे पिता का देहावसान सन 2008 में हुआ था। वो अक्सर गरीबों की सेवा में जहाँ मौका मिलता था करते थे। उन्हीं से प्रेरणा लेकर हमने ये नेत्र शिविर का आयोजन उनकी पुण्यतिथि पर करने का निश्चय लिया और हम लगातार 8 साल से इस बार 8वां कार्यक्रम है इसको हम आयोजित करते हैं। इससे क्षेत्र के आसपास के हजारों लोग फायदा उठाते हैं और 8 साल में लगभग हम अब तक 1200-1500 आदमियों की आँखें मोतियाबिंद की बनवा चुके हैं और इसको लोगों ने क्षेत्र की जनता ने बहुत सराहा, इसलिए हमको प्रेरणा मिलती रहती है इसको करने की और हर साल इसको आयोजित करते हैं। इस बार भी 500 लगभग 600 मरीजों ने अपनी आँखों का निशुल्क कराया, जिसमें से 190 मरीज मोतियाबिंद के पाए गए। हमने इसको वरदान संस्थान के सहयोग से जो लगवाते हैं उनके अस्पताल को ले जाते हैं इसको और वहाँ पर इनका ऑपरेशन किया जाता है।